हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आवेशों और द्रव्यमान में अंतर, साथ ही हमने कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ पे सॉल्व किए थे। और हमने उस लेक्चर में हमने बात की थी कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर मीन्स दिस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कूलम के नियम का प्रतिपादित करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कूलम का नियम लिखना है आपको, हेडिंग डालेंगे कूलम का नियम। कूलम का नियम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कूलम का नियम है प्रतिपादित किसने किया था। जो हमारे बच्चों एक फ्रांस के हमारे क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, हमारे नाम था उनका, ये कंपटीशन में आपके काम आ सकता है, इसे आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट आपको नॉलेज के लिए होना बहुत जरूरी है। चार्ल्स ऑगस्टिन, यस चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जो फ्रांस के हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमारा क्या किया था, इसका परिमाणात्मक रूप क्या किया था, परिमाणात्मक रूप और इसका सदिश रूप भी हमारा किसने दिया था, कूलम, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने दिया था, कूलम का नियम दिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कूलम का नियम है क्या चीज। हमने बात की थी बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में, हम बात कर रहे थे अपने धनावेश और ऋणावेश, और हमने साथ ही ये भी पढ़ा था कि जो हमारे धनावेश धनावेश है वो परस्पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। ऋणावेश ऋणावेश है वो भी हमारा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, और हमारा धनावेश और ऋणावेश, ये ऋणावेश या धनावेश परस्पर आकर्षण का बल लगता है। मीन्स जो हमारे एक समान आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण का बल लगता है, जबकि जो हमारे विपरीत आवेश होते हैं उसमें कैसा लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो बच्चों ये तो बात थी हमारी आकर्षण प्रतिकर्षण की, ठीक है, लेकिन कितना आवेश लगता है, मतलब कितने किसी कोई धनात्मक आवेश किसी ऋणावेश पर कितना आकर्षण लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है या कम लगा रहा है, 5 न्यूटन है कि 10 न्यूटन है या 15 है या 1000 है, ठीक है। तो इसका परिमाण निकालने के लिए, मतलब 5 न्यूटन 10 न्यूटन इसका मान निकालने के लिए कूलम ने हमारा एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, इन्होंने बोला इनके अनुसार हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, माना हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कुछ दूरी पर रखे होंगे, इनके बीच की कुछ दूरी है हमारी r दूरी पर, इस पर r दूरी पर रखी गई है, ठीक है। अब देखिए बच्चों उन्होंने कहा ये बिंदु आवेश हमारे एक समान भी हो सकता है, विपरीत आवेश भी हो सकता है, वो आप दूर की बात है, मतलब इन दो बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल या आकर्षण का बल जो होता है, मान लेते हैं वो बल है हमारा बच्चों F है, फोर्स से डिनोट करता है, F से डिनोट करता है, इसे फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए ठीक है जो बल है हमारा F है। अब इसका मान क्या होता है, देखो बच्चों ये कहता है कि जो बिंदु आवेश है हमारे Q1 और Q2 इनका हमने गुणा कर देना है, ठीक है, इनका गुणनफल Q1 Q2 के समानुपाती होगा। याद कीजिए बच्चों हमने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ते थे, ग्रेविटेशन में दो हम क्या लेते थे, द्रव्यमान लेते थे, कोई भी दो पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो बच्चे याद कीजिए आप, सेम ऐसे ही है हमारा, ठीक है, ये हमारा, लेकिन ये जो बल होता है इनके बीच में लगने वाला आकर्षण का होता है, केवल आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होता था हमारा, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब जितना ज़्यादा हमारा क्या होगा बच्चों द्रव्यमान होगा, जितनी वस्तु भारी होगी उतना ज़्यादा आकर्षण लगेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दो बिंदु आवेशों के क्या होता है बच्चों, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, कौन, जो हमारा वैद्युत स्थैतिक बल है, वैद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं इसको, कूलम बल को, ठीक है। अब क्या होता है, समानुपाती होता है इनके बीच में बच्चों, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, दूरी बढ़ने पर आकर्षण कम होगा, मीन्स प्रभाव कम होगा या प्रतिकर्षण कम होगा। देखिए जो हमारी क्लास में सबसे आगे वाले स्टूडेंट्स होते हैं उस पर जो टीचर का प्रभाव होता है वो थोड़ा अधिक होता है, वो उसके टीचर के सामने बच्चा क्या नहीं कर पाता, बच्चों शोरगुल नहीं कर सकता, ठीक है, इसका मतलब दूरी कम हुई तो हमारा आकर्षण बढ़ गया है। और जैसे जो लास्ट बेंच वाले बैक बेंचर जिसे आप कहते हैं, लास्ट बेंच के बच्चे जो होते हैं जिनका जिनसे टीचर्स की जो हमारी डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा उन पर प्रभाव कम होता है, मतलब दूरी बढ़ने से आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हमारा
कम हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों दूरी बढ़ती है तो बल क्या होगा, कम लगेगा। मतलब दूरी बढ़ी बल कम, दूरी कम तो बल ज्यादा, तो उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। और वो भी उल्टा प्रभाव कैसा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं आप। व्युत्क्रम प्रभाव है हमारा दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन ये बल। ऐसे ही हम यहाँ पर करते थे, याद कीजिए बचपन की बातें। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कैपिटल जी एम वन एम टू ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण में होता था, सिमिलरली हमारे यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक बल की बात होती है। अब भाई देखो पहला क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब इन दोनों नियमों को हमने क्या करना है, कंबाइन करते हैं समीकरण एक व दो से, एक व दो से। इससे पहले बच्चों आप थोड़ी सी लाइन लिखेंगे, मैं बताऊंगी आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। समीकरण एक व दो से आपके पास आएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ एफ इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों हमारे सबको पता है ये चिन्ह हटता है तो एक हमारा बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक आ जाता है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आती है। तो उस कॉन्स्टेंट को हमने डिनोट कर दिया बच्चों के से, नियतांक को। यहाँ पे हमारा के क्या है बच्चों, कूलम्ब नियतांक, यहाँ कैसे कह सकते हैं वैद्युत स्थैतिक नियतांक, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे आप यहाँ पर साथ साथ जहाँ के स्थिर वैद्युत बल नियतांक, स्थिर वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक भी बोल सकते हैं आप, स्थिर वैद्युत स्थैतिक बल नियतांक, या कूलम्ब नियतांक भी कह सकते हैं आप, कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब नियतांक। इसका मान किस पर निर्भर करता है बच्चों, आवेशों के माध्यम पर, कि आवेश किस जगह पर रखा गया है, कि आवेश हमारा जल में है, हमारा निर्वात में है, कांच में है, मतलब कैसा हमारा क्या है माध्यम है, ठीक है, या फिर जिस माध्यम में मान लेते हैं हमारा वायु में रखा है या निर्वात में रखा है, ठीक है, उस पर उसके मान पर निर्भर करता है। तरह नोट करेंगे, ठीक है, जहाँ ऐसा ही पद्धति की बात करें बच्चों, ऐसा सिस्टम में जो हमारा ये के है, इस के का मान है हमारा बच्चों 1/4 pi epsilon नॉट, याद रखिएगा epsilon नॉट बोलते हैं ईपी, ये जो मध्य है इसको बोलेंगे, ये तो होता हमारा एफ एस आई एल ओ, ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, ठीक है, epsilon, ठीक है, यहाँ पे ये लग गया तो नॉट लग जाता है, सबको पता होगा, ठीक है, 4 pi epsilon नॉट, जहाँ हमारा ये क्या है, ये क्या है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता, कौन, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो बच्चों नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे साथ से, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक वैसे पोर्शन बना देती हूँ, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता कह सकते हैं बच्चों आप, शीलता है। इसका मान की बात करें 8.85 × 10⁻¹² कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मान देखेंगे बच्चों, जल्दी से अब देखो बच्चों, जो ये क्वांटिटी हमारी के 1/4 pi epsilon naught, इसकी जो हम कंबाइंड क्वांटिटी उसकी बात करें, इसका मान है नियत है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, सही है, जल्दी से नोट कर लेंगे। देखिए बच्चों इसे नोट करने से पहले आप लिखेंगे कूलम्ब के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल
प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिलिंग गैप अर्थात गणितीय रूप में, यह है हमारा इसका गणितीय रूप, बच्चों डेरिवेशन है, गणितीय रूप में ऐसा था कि यहां तक आप कर लेंगे इसको। ठीक है, यह है समीकरण एक, समीकरण दो, ये हो गया भाई समीकरण तीन। समीकरण तीन से या समीकरण तीन में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर बच्चों न्यूमेरिकल क्वांटिटी मान नहीं भी रखेंगे आप, चलेगा, सीधे लिखेंगे आप फोर इंटू के की जगह में वन अपॉन फोर एफ इक्वल टू सॉरी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ, कूलम का नियम है, न्यूटन में इसका मात्रक होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे और क्या होगा इसका बच्चों, ये तो है इसका परिमाणात्मक रूप, मतलब केवल परिमाण निकलेगा, दिशा के बारे में अगर वेक्टर फॉर्म निकालेंगे सदिश रूप में निकालेंगे तो हम भी इसको डिराइव करते हैं, इसे जल्दी से कीजिए आप। इसके जो अगला लेक्चर होगा मेरा वो होगा हमारा कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होगा। ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ।